अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन शवरमा सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन, 1/2 cup दही, 2 tablespoons लेमन जूस, इसके अलावा ये मसाला जात हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, ये मेरे पास चाट मसाला है, गरम मसाला, और ये अचार मसाला है जिससे नॉर्मली हम अचार डालते हैं, और अचार मसाले में जो चीज़ यूज़ होती है ये मेरे पास वो है अचार का टेस्ट लाने के लिए। तो इससे हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। लेमन जूस, 1/2 cup दही और ये सारे मसाले। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शवरमे की रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आई हूँ, आप आगे देखें। कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर दिया है और इसको 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम, हमारे पास ये वेजिटेबल्स हैं, इसको हम पानी और विनीगर में डिप करके रख देंगे। 2 portions ऑफ आइसबर्ग, जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं, शिमला मिर्च, अनियन, इसमें हम 1/2 glass ऑफ वाटर डाल लेंगे। एंड 1/4 cup ऑफ विनीगर, इसमें 1/4 glass हम विनीगर का डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जो सब्जियां आपको पसंद हो आप इसके अंदर मिक्स करके डाल सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। हमारा चिकन 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में हम ऑयल डाल लेंगे। 4 tablespoons हमने ऑयल डाल लिया और इसके अंदर अब हम चिकन डाल लेंगे। चिकन हम फ्राई कर लेंगे। मैंने बोटियाँ बहुत छोटी छोटी ली हैं क्योंकि बड़ी बोटी हो तो उसको च्यू करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली बच्चों से च्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो छोटी बोटियाँ लेंगे तो बच्चों को इजी होगा। ये आप देख रहे हैं बोटियों का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अब हम चिकन शवरमा सैंडविच की असेंबलिंग कर लेंगे, जिसके लिए मेरे पास ये शवरमा ब्रेड है, मेयो सॉस है, चिली गार्लिक सॉस, मोज़रेला चीज़ और ये वेजिटेबल्स जिसमें मैंने शिमला मिर्च, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, इन सब को पानी और सिरके में डिप करके रख दिया था फॉर 15 मिनट्स। और ये हमारे पास चिकन है जो हमने मैरिनेट करके फ्राई कर लिया था। अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। हमने ब्रेड ले ली, ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस, इसी तरह मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी मोज़रेला चीज, इसके ऊपर हम डाल लेंगे मेयो सॉस,
और इसको हम दूसरे ब्रेड के साथ कवर कर देंगे। इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ लगा देंगे। रेड चिली हम ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, ताकि इसकी थोड़ी लुक निकल आए। तैयार है। इसको अब हम फ्राइंग पैन में बना लेंगे। इसको हमने फ्राई पैन में रख लिया है और इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए हम ढांप के बना लेंगे। आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। आप इसको फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के, इसको चीज़ मेल्ट हो गई है, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। जी, और ये हमारा चिकन शवरमा सैंडविच रेडी है।